ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम सप्तम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनाई जा रही है। उसी श्रृंखला में हमने पढ़ा सृष्टि की उत्पत्ति हुई जो मनु महाराज को सौंप दी गई। मनु महाराज की संपूर्ण वंशावली हमने पढ़ी और सप्तम स्कंद के आरंभ में हमने पढ़ा था कि लीला और क्रिया में क्या भेद होता है, ईश्वर लीला कैसे करते हैं, मनुष्य जो करता है क्रिया कैसे होती है, और ईश्वर में तन्मय कैसे हो जाता है, किसी भी प्रकार से आप ईश्वर में तन्मय हो सकते हैं। और पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि कयाधु किस प्रकार बार बार हिरण्यकश्यपु से, कयाधु उनकी पत्नी होती है, बार बार नाम नारायण नारायण बुलवा लेती है, 100 बार कम से कम बुलवा लेती है, और उसके बाद उसी समय प्रहलाद उनके गर्भ में आते हैं। और हिरण्यकश्यपु जो तपस्या करके आता है वो बहुत अधिक अत्याचार करता है, और उसके आगे की कथा आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। मित्रों, तो चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप एक बार कमेंट अवश्य करिए, आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे, हमारे और भी दर्शक पढ़ेंगे, तो उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही आपका और हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा है भक्तराज प्रहलाद का जन्म, उनका प्रभु प्रेम, याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद। ये इतनी कथा आज हम पढ़ेंगे। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही होता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र की शत्रुता करके उसकी हत्या करने के लिए तत्पर होगा तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यपु का वध भी करूंगा। दूसरी ओर कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बढ़ने लगा। सबको इससे आनंद और आह्लाद प्राप्त होता था, इसलिए उसका नाम प्रहलाद रखा गया। आह्लाद मिलता है इसलिए वो प्रहलाद है। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके शंड और अमरक नामक दो पुत्र थे। आगे शंड और अमरक नाम के जो दो पुत्र हैं ना, वो साथ में शंडामर्क पढ़ा जाएगा, तो आपको शंडामर्क समझना होगा। शंडामर्क में वो दोनों पुत्र आ जाएंगे, तो ये आगे आएगा। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने शंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इन दोनों पुत्रों को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वैसे तो शंडामर्क प्रहलाद को राजनीति पढ़ा रहे थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास में के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव भगवान से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह से ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव या प्रेम नहीं था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। मीराबाई ने कहा है कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महान वैष्णव थे, वे गुरुजी की शिक्षा सुनते तो थे किंतु राजनीति का चिंतन वे तनिक भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि वह जब तक देह भान उसके व्यवहार में क्षति नहीं होती। फिर से एक बार उसको पढ़ते हैं। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देह भान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। यानी कि उसको जो काम सौंपा जाएगा ठीक है हम कर लेते हैं, वो देह भान में उतना ही चलता बस। गुरुजी ने विचार किया कि यह राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बैठा लिया, प्यार किया और पूछा, पुत्र तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो पाठ या प्रकरण गुरुजी ने पढ़ाया वह मुझे सुना तो सही। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं, यानी कि पिताजी ने तो अच्छा बताने की कही है, और इधर तो गुरुजी ने मार काट की बात सिखाई है, यह तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी बात बताई। अब वो क्या जाने के भाई पिताजी की स्थिति क्या है, तो जो गुरुजी ने पढ़ाया वो नहीं बताता, जो उसके मन में वो बताते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। अंधियारे कुएं के समान यह घर भी अपने अधःपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यह श्रेयस्कर है कि गृह त्याग करके वनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें।
प्रहलाद बोले, पिताजी अनेकों जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पुत्र पशु आदि न जाने क्या क्या बना है। हजारों जन्मों से विभू से विरक्त बना हुआ यह जीव लौकिक सुख भोग में लीन है, फिर भी वह तृप्त नहीं होता है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से होती है। संसार तो सुख का सागर है। प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर भी मानव देह प्राप्त होती है, यानी कि पाप और पुण्य जब दोनों समान होते हैं तो मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पाप भोगना पड़ता है, वैसे पुण्य भी भोगना ही पड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से यह बात कह सकता हूँ कि स्वार्थ और कपट के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेम मात्र परमात्मा ही है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आए कि छल कपट भी करना पड़ता है। वासना ही छल कपट का कारण है। वासना कोई भी हो, दैहिक वासना हो, अर्थ की वासना हो, किसी वस्तु की वासना हो, कोई भी वासना हो सकती है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता ही है। जीव कितना भी स्वार्थी और कपटी है मुझे एक सन्नारी मिली जो बता रही थी कि उसकी सास जी ने उसे चेतावनी दी थी कि पुत्रियां काफ़ी हो गई हैं, अगर चौथी बार पुत्र नहीं हुआ, पुत्र को जन्म नहीं दिया तो तुझे घर से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने हाथ की बात तो है नहीं। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, किंतु सुयोग्य पुत्री तो पिता और पति दोनों ही कुल का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हज़ार का खर्च कर देगा। उस समय 4-5 हज़ार बहुत होते थे 80 के दशक में। आज वो मान लीजिए 5 लाख के आसपास हो गए हैं, मतलब कुछ चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो। 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी ना ठीक हो पाए तो ठाकुर जी की मनौती रखेगा कि इसका कुछ ना कुछ उपाय तो हो जाए तो अच्छा है। उसके कुछ हो जाने का मतलब है कि इसका मर जाना। वह विचार करता है कि मेरी आयु अधिक नहीं है, 48वां वर्ष अभी आरंभ हुआ है, मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पति या पत्नी एक दूसरे के लिए दुखदायी हों तो वे विचार करते कि यह मर जाएगा तो कितना अच्छा हो, मतलब यदि उनमें अनबन होती है तो कई बार ये विचार आते हैं। हालांकि ऐसा विचार करना अनुचित होता है, विभक्त होना अच्छा है उससे किसी के मर जाने की कल्पना करने से। आगे बढ़ते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, यानी कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब कोई प्रीति करते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना आरंभ किया कि उससे घृणा होने लगती है। जगत में स्वार्थ और कपट के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्री जी के बीच हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री और कात्यायनी से कहा, मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ, अपनी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ जिससे तुम दोनों के बीच में कोई क्लेश ना हो पाए। मैत्री तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा, यह धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो जाऊँगी? याज्ञवल्क ने बोला, अरे धन से भी कोई मोक्ष प्राप्ति होती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा और भोग आदि के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगे। मैत्रीय, जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूँगी? आप तो इसे कात्यायनी को ही दे दें। मैत्री की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख हेतु ही घर पुत्र पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय मात्र आत्मा ही है, आत्मा वही सर्वेषां प्रियः। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं है, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति और माता पिता का पुत्र के प्रति जो स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रेम है, मतलब उनका पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है, अपनी कामना पूर्ति के लिए। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं
जी सकूंगी। इसी आशा से और अपेक्षा से पत्नी पति से प्रेम करती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से उसी खातिर प्रेम करता है। वह उसके लिए प्रेम करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उनकी आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता अपितु अपने स्वार्थ के प्रति प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि संसार में किसी को भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग कहते भी वो ले लो संन्यास, घर में अच्छी तरह से भजन नहीं हो सकता, तो ये बात है। हाँ, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना होता है। पन्ना पलटना था, सही पलटा गया। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। समाज सुधार की भावना वैसे तो ठीक है किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है। अहंकार अपने साथ कई अवगुणों को भी लेकर आता है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े समाज सुधारक जो अपने आप को समाज सुधारक मानते हैं वो कितने अहंकारी होते हैं, कई बार सामान्य लोगों से ठीक से मिलते तक नहीं है और कहने को समाज सुधारक हैं। समाज को कोई भी सुधार नहीं सकता, अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन और अपने मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता। शंकराचार्य या वल्लभाचार्य का ही यह काम है, यानी कि सामान्य मनुष्य हम जैसे लोग हैं वो तो बस इतना कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने ज्ञान की स्थिति क्या है, हम कितने पहुंचे हुए हैं, कितना हमें पता है जो हम किसी को सुधारेंगे। पर हम इतना कर सकते हैं कि हम जो औरों को बताते उसका पालन करें, ताकि यदि कोई हमसे सुनता तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ना है तो पड़ जाए, वरना तो ईश्वर की इच्छा है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने शंडामर को उल्हाना दिया कि मेरे बालक को उन्होंने यह कैसा उपदेश दिया है, यह कैसा क्या शिक्षा दी है। शंडामर्क, मैंने तो ऐसी शिक्षा कुछ भी नहीं दी। शंडामर्क बोले, हमने ऐसी शिक्षा नहीं दिया। हिरण्यकश्यप, देखो देवगण मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। शंडामर्क ने प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बातें तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिता जी के समक्ष क्यों बता रहे हो। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी, जीव ना तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ही ईश्वर की ईश्वर की ओर गति करता है। मतलब ना किसी के कहने पर भक्ति करता है, ना ईश्वर की ओर मुड़ता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटा गुरुजी ने इन दिनों तुझे क्या शिक्षा दी है, अब उसने उनमें से कुछ अच्छी बातें मुझे बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, भगवान की भक्ति से के 9 प्रकार हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला आदि श्रवण कीर्तन और उनके नाम स्वरूप आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता से ही जीवात्मा सफल होता है। मात्र भोगोपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने गोद से फेंक दिया। उसके सेवकों को आज्ञा दे कि इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद जी की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्हें तो तलवार में भी श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और जिसके हाथ में तलवार थी उसमें भी उन्हें उस दैत्य में भी उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवान के भाव से देखो तो जगत के काम करते हुए भी ईश्वर से संबंध बनाते रहो। बालक की अपेक्षा बाल कृष्ण के संलग्न रहोगे तो कृष्ण मिलेंगे और साथ में लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। रूप स्व रूपाशक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। संसारासक्ति बंधन करता है, भगवदासक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हुए कहते हैं, राजन,
आंखों में काम को स्थान मत दो, मन में स्वार्थ को स्थान मत दो, जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी हो तो जगत भी वैसा ही दिखेगा, अर्थात जिस रंग का चश्मा पहन लोगे उसी रंग का संसार दिखाई देगा। ये वाली बात है, यहाँ स्पष्ट तरीके से समझ में आती है। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती, प्रभु के रूप में आसक्ति ही भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी भी वस्तु में सुंदरता नहीं है, अर्थात वह सुंदर नहीं है। दो व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार गए हैं, एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना था और दूसरे को पत्नी की वेणी के लिए। पहला वेणी अर्थात गजरा, पहला व्यक्ति भक्त है, दूसरा आसक्त है। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी के श्रृंगार की भावना रखता है, उसके श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूल खरीदना, फिर भी एक ही क्रिया में भक्ति है और दूसरे की क्रिया में आसक्ति है। दैत्य प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उसको तो तनिक भी कष्ट या दुख या पीड़ा नहीं हुई। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भय थे। उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए किंतु फिर भी वे मरे नहीं और वो सभी के सभी उपाय व्यर्थ हो गए। हिरण्यकश्यप को लगा कि कदाचित यह इंद्रजालिक है। इंद्रजालिक अर्थात आजकल वर्तमान भाषा में हम उसको जादूगर कहते हैं, तो ये इंद्रजालिक है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहाँ अन्न जल के अभाव में यह मर जाएगा। प्रहलाद की जी को बंदी बना लिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब यहाँ मैं शांतिपूर्वक भजन कीर्तन करता रहूँगा, किसी की कोई बाधा नहीं है। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है। दुख में जो सेवा स्मरण न छोड़े वही महान वैष्णव है। हमारे यहाँ क्या, हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतना नाम जप करता हूँ, फिर भी मेरे पास ये दुख क्यों आया। हमारा प्रश्न ये होता कि दुख आया ही क्यों। अरे भाई, कर्म तो सबको काटना पड़ता है, इसलिए दुख तो आएगा ही। तो पर वो यदि आप समझोगे तो ऐसे ही निकल जाएगा, आप उसकी पीड़ा नहीं होगी। देवकी वसुदेव को कितना कष्ट सहना पड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हम तो छोटे से दुख से भयभीत होकर अपने आप को निर्बल बना लेते हैं और विचार करते हैं कि मैंने इतनी सेवा स्मरण किया, फिर भी भगवान ने मुझे कष्ट क्यों दिया। अतिशय दुखदायी अवस्था में भी प्रहलाद यही विचार करते हैं कि मेरे भगवान तो मेरे संग ही हैं, फिर डर किस बात का। भयाक्रांत से ईश्वर दूर रहते हैं। गीता जी में कहा गया है कि मैं तेरे निकट हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, फिर भी तू मुझे देख नहीं पाता है। अंधेरे में भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, वे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उन्हें आज अपनी देह का भान भी नहीं था। भगवत प्रेम में जिसे देह भान नहीं रहता उसे संसार से कोई भी विकार, उसे संसार के कोई भी विकार प्रभावित नहीं कर सकते। यानी कि जिसमें देह भान ही नहीं है वो किस स्थिति में, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि भगवान जगत में कोई भूखा तो नहीं सो रह गया ना। लक्ष्मी जी ने कहा, आपका भक्त प्रहलाद अपने पिता के कारागार में भूखा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने कहा, देवी उसके लिए शीघ्र ही प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने प्रसाद तो को अपना, प्रहलाद को अपना पुत्र मानकर उसे अपना लिया। पार्षदों ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे लिए लक्ष्मी जी ने यह प्रसाद भेजा है। प्रहलाद ने प्रणाम किया, उसने सोचा कि प्रभु की मुझ पर इतनी कृपा है, उन्हें मेरी कितनी चिंता है जो इधर कारावास में भी मेरे लिए उन्होंने प्रसाद भेजा है। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आश्चर्य हुआ। वे विचार करने लगे कि हम यहाँ चौकसी कर रहे हैं, फिर प्रहलाद भोजन कैसे कर रहा है, वह पक्का इंद्रजालिक है। उन्होंने जाकर हिरण्यकशिपु से बात कही। उसने कारावास में जाकर देखा तो प्रहलाद प्रसाद भोजन कर रहा था। उसने पुत्र से पूछा, प्रहलाद सच सच बता कि यह भोजन तुझे किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, माता के गर्भ में जिसने मेरा पोषण किया था,
वही यहाँ पर भी मेरा पोषण कर रहे हैं। पिताजी, यह कारावास का कमरा तो फिर भी बड़ा है। जब मैं माता के गर्भ में था तब तो वो स्थान बहुत छोटा था। वहाँ जिसने मेरा पोषण किया, मेरी रक्षा की, वही यहाँ भी मेरा पोषण और रक्षा करेंगे। हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं, कहीं मुझे मारने के लिए ही तो यह इसने जन्म नहीं लिया है। वह भयभीत होकर शंडामृग के पास गया। राजा का निस्तेज मुख देकर शंडामृग ने आश्वासन देते हुए कहा कि 5 वर्ष का यह छोटा सा बालक भला तुम्हें कैसे मार सकता है। हम उसे वरुण पाश में बांध देंगे। और वे वरुण पाश से प्रहलाद को बांधकर घर वापस आ गए। प्रहलाद की दृष्टि तो ऐसी मंगलदायी थी हो गई थी कि उन्हें तो सभी जगह श्याम सुंदर के दर्शन ही होते थे। अब प्रहलाद इतने भक्तिमय थे कि उनको हर स्थान पर केवल और केवल प्रभु दिखते थे, उनके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। तो ये है प्रहलाद की ईश्वर भक्ति। अगले अंक में हम अभी कथा आगे बढ़ाएंगे। आज इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगला अंक है प्रहलाद अपने साथियों को उपदेश कर रहे हैं, उनके बालकों को उपदेश कर रहे हैं। चलिए आज विराम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। धन्यवाद। वंदे मातरम।